हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लेके आए हैं अपने 5000 क्वेश्चन सीरीज का 14th लेक्चर, जिसमें हम 20-20 क्वेश्चन हर लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। व्हाई वाज द पंचायती राज सिस्टम अडॉप्टेड। पंचायती राज सिस्टम को किस लिए अडॉप्ट किया गया था? तो पंचायती राज सिस्टम को अडॉप्ट किया था डिसेंट्रलाइज्ड द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी को जो पावर थी उसको डिसेंट्रलाइज करने के लिए हमें पंचायती राज सिस्टम की जरूरत थी, इसीलिए उसको सेंट्रलाइज किया गया, इसीलिए उसको अडॉप्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन। इन कलरफुल डायमंड वाई आर द डिफरेंट कलर प्रजेंट। देखिए, जो डायमंड्स होते हैं, आपने सुना होगा डायमंड्स ज़्यादातर देखे होंगे तो एकदम सफ़ेद होते हैं, एकदम चमकते रहते हैं। लेकिन जो कलरफुल डायमंड्स होते थे, वो उसमें कलर किस वजह से प्रजेंट होता है? ठीक, कलर प्रजेंट होता है ड्यू टू इम्प्योरिटी। जिस डायमंड में जितनी इम्प्योरिटी होगी वो डायमंड उतना कलरफुल होगा। ठीक है, तो कलरफुलनेस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू इम्प्योरिटी इन डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। फ्रॉम द व्यू ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमी व्हाट डज थर्ड वर्ल्ड इम्प्लाई। फ्रॉम द व्यू ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमी, पूरे विश्व के इकोनॉमी के नज़रिए से जो थर्ड वर्ल्ड इम्प्लाई क्या है, मतलब तीसरा वर्ल्ड क्या है, वो है डेवलपिंग कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ लैंड लॉक कंट्री कौन सी है? तो कई हैं, कई कंट्री लैंड लॉक्ड होती हैं, और कई हैं कि इसमें तीन साइड से पानी होता है, कई में होता है कि दो साइड से, कई कोई चारों तरफ से पानी से रहता। तो वन ऑफ द लैंड लॉक्ड कंट्रीज जिम्बाब्वे इज लैंड लॉक्ड कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं लोग। द रूलर ऑफ विच स्टेट वॉज रिमूव फ्रॉम पावर बाई ब्रिटिश ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस। द रूलर ऑफ विच स्टेट वॉज रिमूव फ्रॉम पावर बाई ब्रिटिश ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस। जो ब्रिटिश थे उन्होंने किस स्टेट के रूलर को हटा दिया था क्योंकि वो मिस गवर्नेंस कर रहे थे? तो वो था अवध। ठीक है, जो अवध का राजा था उसको मिस गवर्नेंस कारण उसको सत्ता से ब्रिटिशर्स ने हटाया था, अवध नरेश, जो ये प्लासिक युद्ध हुआ था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। विथ विच फील्ड वॉज सत्यजीत रे एसोसिएटेड। सत्यजीत रे किस फील्ड से एसोसिएट करते हैं? तो सत्यजीत रे का नाम काफी सुना होगा, ये थे डायरेक्शन ऑफ फिल्म के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। विच प्लांट इज रिफर्ड टू एज ए लिविंग फॉसिल। कौन सा प्लांट एक जिंदा फॉसिल है, लिविंग फॉसिल है? तो वो है गिंको प्लांट इज अ लिविंग फॉसिल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी पूछ सकता है लिविंग फॉसिल क्या है, कौन सा है, कौन सा प्लांट इज अ विच प्लांट इज अ लिविंग फॉसिल? तो गिंको इज अ लिविंग फॉसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताते हैं। हाउ डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू फाइनली पास द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक ए फाइनल पास द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इट टेक्स अबाउट थ्री ईयर सिंस दिसंबर 1946 से 1949 तक
कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए टाइम लिएगा, 3 ईयर्स सिंस दिसंबर 1946 to 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग आते हैं, विच कंट्री थ्रू विच बोथ इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासेस, विच कंट्री थ्रू विच बोथ इक्वेटर, जो अपने लैटिट्यूड्स हैं इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दोनों पास होते हैं, तो वह कंट्री है ब्राज़ील, ब्राज़ील से दोनों चीज़ पास हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग आते हैं, फ्रॉम वेयर डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कहाँ से किया गया था, तो किया गया था स्टार्ट बॉम्बे से, स्टार्ट हुआ था बॉम्बे से, लेकिन कब हुआ था स्टार्ट, हुआ था 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट, 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया था बिफोर द वर्ल्ड वॉर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, विच फिजिकल क्वालिटीज हैव द सेम डायमेंशंस, मतलब जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं तो फिजिक्स का ही क्वेश्चन है इस तरह से, जो आप हाई स्कूल फिजिक्स पढ़ते हैं, तो फिजिकल कौन सी क्वांटिटी है जो जिनका डायमेंशन सेम है, तो मोमेंटम जो होता है एंड इम्पल्स हैव द सेम डायमेंशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 12th क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड यूएन एस्टेब्लिश द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इन विच ईयर डिड यूएन एस्टेब्लिश द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएन ने यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड और डेवलपमेंट कब किस ईयर में इस्टेब्लिश किया था, तो वो किया था 1964 में ट्रेड एंड डेवलपमेंट को इस्टेब्लिश किया गया था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच कमेटी वॉज फॉर्म टू सजेस्ट मीन्स ऑफ फॉर इरेडिटिंग ब्लैक मनी, ब्लैक मनी के इरेडिक्शन के लिए कौन सी कमेटी का गठित हुआ था, तो वो कमेटी शेलिया कमेटी, शेलिया कमेटी, शेलिया कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, द कराकोरम हाईवे कनेक्ट्स विच पेयर ऑफ कंट्रीज, द कराकोरम हाईवे कनेक्ट्स विथ विच, कनेक्ट्स विच पेयर ऑफ कंट्रीज, ठीक है, तो कराकोरम हाईवे कनेक्ट करता है चाइना एंड पाकिस्तान को कनेक्ट करता है, तो कराकोरम हाईवे है वो चाइना और पाकिस्तान को कनेक्ट करता है, तो याद रखिएगा चाइना और पाकिस्तान को कनेक्ट करने वाला हाईवे कौन सा है, वो है कराकोरम हाईवे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, विच इंडियन रिवॉल्यूशनरी हेल्प सुभाष चंद्र बोस इन रेजिंग इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी को रेस करने के लिए, इस्टेब्लिश नहीं किया था सुभाष चंद्र बोस ने, रेस करने के लिए, रेस करने के लिए किस इंडियन रिवॉल्यूशनरी ने हेल्प किया था, तो वो थे रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, विच क्रॉप वुड बी प्रिफर्ड फॉर सोइंग इन ऑर्डर टू इनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन, देखिए ये क्वेश्चन याद रखिएगा, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात होती है कि अगर सॉइल में नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ाना है तो उस साल में आप जो क्रॉप है वो कौन सी बो दें तो रिच हो जाएगी, तो अगर हम चने की मतलब ग्राम की क्रॉप बोते हैं तो हमारी जो सॉइल है वो नाइट्रोजन रिच हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, कंस्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने जो का जिम्मा जिन्हें दिया था, तो उसके प्रेसिडेंट कौन थे, उसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एटम, कार्बन एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 18, कार्बन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटिट्यूड पास थ्रू इंडिया, इंडिया से कौन सा लेटिट्यूड पास होता है, जैसे अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर,
कैप्रिकॉन रहता है, ठीक है। तो इंडिया से कौन सा लैटिट्यूड पास होता है, वो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हु परफॉर्म दैट डेस्टिनी डिटरमाइन एवरीथिंग मैन इज पावरलेस, कौन बोलता है, क्या बोल, कौन बोलता है कि डेस्टिनी डिटरमाइन, डेस्टिनी ही सब कुछ डिटरमाइन करती है, मैन के पास कोई पावर नहीं, ठीक है। तो ये बोला गया है आजीवकास, आजीवकास, ठीक है, आजीवकास में बोला गया है कि मैन जो डेस्टिनी है वही सब, उसी की वजह से सब कुछ हो रहा होता है, मैन कुछ नहीं। तो इस तरह हमारा अपना 14th लेक्चर फिनिश होता है। तो आपको हमारा लेक्चर कैसा है, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड नेवर मिस प्रेस बेल आइकन। ओके, थैंक यू वेरी मच।